पर थके भए थोड़े पर क्यों पीता पर थारे हमारे साथ माखन खाने वाले हो, हमें दमदारी दिखा रहे हो। भगवान श्याम सुंदर बोले हैं, कन्हैया बोले हैं, अरे दामा तमाचा लगते ही तू मौसम को ही डालेगा। बाजीबा, एक तो हमारी तुमने गेंद खोई दी, चोरी की चोरी, और फिर ऊपर ससीना चोरी है, हमारी गेंद की गेंद खो गई और फिर हमारे ऊपर सीना चोरी। दामा बोलो, कन्हैया एक बात सुन ले, तुम तमाचा मारोगे तो कमी कछु हम में ना है, छोड़े हम ना है। एक हम पट्टा कदम कह दे गेंद दे, दामा बोलो है कन्हैया कि तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी हिलती है, और जब माखन तुमनी खाओ है तो खाची हमारी। जब माखन तुमने खाओ अच्छा जमे बोलिए, तुम तमाचा मारोगे हम लाठी मारेंगे, और जब मान ली हो एक नहीं तुम्हारो भट्टा जो बनते हैं। दामा बोलो, अगर तुम इतने बड़े बलशाली हो तो तुम्हारी अम्मा रोए रोए के मर रही है। कंसराज ने कभी दो चपरिया फूल मंगाए हैं, कालीदास भेज दो। इतनी बड़ी बात नहीं सुनी गई,
कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़े और दह में कूद गए। जब कन्हैया दह में कूदे हैं, नाग सोदाए हैं, नागनी जग रही हैं। नागिनियां बोली हैं, अरे लाला कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कोई रास्ता भूल गया हो, चलो जा। क्यों? तेरे मुंह से दूध की धारा बह रही है, और अगर हमारो नागराज जग गओ ना तो तेरे हड्डी को सुरमा बना दे, चलो जा। आज दामा दामा छदामी मनसुख सभी इकट्ठे होकर उधर मैया यशोदा के पास में गए हैं। तो मैया यशोदा ने जब ये सुना है कि मेरा कन्हैया काली देह में कूद गया, सभी ब्रजवासी मैया कन्हैया देह में कूद गया है, सभी एकत्रित होकर के जिस समय काली देह के किनारे पर आए हैं भक्तों, आज क्या दशा है कि यशोदा चिल्लाई धाड़ी मारी, लाला और मेरे कृष्ण कन्हैया कहाँ गए, और चार्जर लिखो इसको बगाले बिजली तो बगाटे में भैया चले गए।